नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं लेके आया हूं, ना ही कोई आपको टिप देने वाला हूं। फिर ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? दोस्तों, ये वीडियो आपको सिर्फ इतना बताने के लिए बता रहा हूं कि इस चैनल पे आपको क्या मिलता है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? कोई ऐसी फेक एनालिसिस हम नहीं करते कि बाजार 50-60% नीचे चला जाएगा, 40% ऊपर चला जाएगा, ना ही हम कोई ऐसी बरगलाने वाली बातें करते हैं जो हमें समझ में ना आए। यहां एकमात्र चैनल ऐसा है अपना दोस्तों, जिसपे सिर्फ सटीक एनालिसिस होती है। हम चाहे 10 दिन में लाइव सेशन करें, चाहे हम डेली लाइव सेशन करें, हमारे लाइव सेशंस में जो लेवल्स की हम बातें करते हैं वो लेवल अनमैच्ड होते हैं। प्लीज कोट कीजिए इस बात को, अनमैच्ड। मुझे मालूम है बहुत ट्रोलिंग करने वाले लोग इस वीडियो को भी देखेंगे। आई डोंट केयर अबाउट ऑल दोस पीपल, आई केयर ओनली अबाउट दोस पीपल हु आर एक्चुअली रिलेटेड टू मी, मुझसे जुड़े हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। इतना प्यार दिया है तो आपके लिए मुझे मेहनत करनी ही होगी। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा। नए लोग अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो पे आपके सामने सिर्फ प्रूफ रखने वाला हूं, कुछ नहीं रखने वाला हूं। आपको क्या कहा, कब कहा, क्या लेवल्स दिए, बाजार ने क्या लेवल्स छुए, चलिए उनकी बातें कर लेते हैं ताकि आपको भी पता लग जाए कि कहां पे क्या मिलता है, कौन सी सटीक एनालिसिस कहां मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं। बड़े लोग कहते हैं कोर्स बेचेगा। अरे भाई, पढ़ाता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मेरा एनालिसिस है, मेरे कोर्सेज भी चलते हैं, लेने वाले मेरे कोर्सेज भी लेते हैं, जो नहीं लेते नहीं लेते। दुनिया में तो बहुत चीजें पढ़ाई जाती हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, यूं थोड़ी ना कि हर कोई ले लेगा जाके। मैं इस वीडियो से आपको कुछ भी नहीं बेच रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब लाइव सेशन हमारे होते हैं तो आइए जुड़िए, लोगों को जोड़िए, देखिए यहाँ पे क्या एनालिसिस होती है। चलिए आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं और डेट वाइज वीडियो सिखाता हूं जो रिकॉर्डेड है, कोई एडिटेड नहीं है। जाके देखिए उन वीडियोस में क्या क्या डिस्कशंस हुई, हमने क्या कहा। मैं आपको इस वीडियो को छोटा करने के लिए सीधा डायरेक्ट उस टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा जहां पे मैंने वो निफ्टी की भविष्यवाणी या निफ्टी की एनालिसिस करने की कोशिश की, जहां आपको चेता दिया था हमने कि बाजार कहां तक चला जाएगा और कहां से बाजार की गिरने की शुरुआत होगी। सबसे पहले आपको लेके चलता हूं सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर लेके चलता हूं, यही बैठे बैठे सिंगापुर लेके चलता हूं ताकि आपको दिखाऊं निफ्टी का हाल क्या है। रिलायंस ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, रिलायंस का राइट इश्यू आ रहा है, सब कुछ भाग गया, बाजार में कमाल हो गया। अरे भैया, जब COVID-19 खत्म ही नहीं हुआ, अभी तक दुनिया से वायरस गया नहीं, फाइनेंशियल बबल बर्स्ट होना बाकी है, तो बाजार चला कैसे? कोई अच्छी न्यूज नहीं है। जनवरी से लेके अभी अप्रैल आ गया, 3 महीने से गाड़ी पटरी पे नहीं आई, सेल्स नहीं हुई, प्रोडक्शन ठप बैठी है, लोग सड़कों पे नहीं है, डिमांड लोगों ने कर्व कर ली है, लोन लोग ले नहीं रहे हैं, लेंगे तो कहां लगाएंगे। सोचिए, जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इकोनॉमी को मूव करने वाला पैसा ठप हो गया है, लोगों के बैंक में पड़ा हुआ है या लोगों के घर में पड़ा है, खाली लोग रोटी भाजी सब्जी खरीदने में बिजी है, बाकी लग्जरी पे लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं, ट्रेवल खत्म हो गया, तो निफ्टी क्यों भागे जा रही है समझ नहीं आता। अब देखते हैं कि हमने इतने दिनों में कोई लाइव सेशन नहीं किया, कोई बात नहीं, हमारा बाजार हमारी गिरफ्त से निकल के भागा कि नहीं भागा वो देख लेते हैं। और जो लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हैं दोस्तों, उन लोगों को पता होना चाहिए, मैं अपने स्टूडेंट ग्रुप में बहुत क्लियरली स्टॉक्स टू बी वॉच्ड, मतलब स्टॉक लिस्ट भेज देता हूं कि कौन कौन से स्टॉक को वॉच करना चाहिए और स्टॉक कहां भागना चाहिए। अभी UPL हमने पोस्ट किया था जो 14% भागा, IOC की बात की हमने, ONGC की बात की, सभी स्टॉक्स गोली की तरह भागे, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको इस वीडियो में टाइटल में आपको आ रहा होगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, पहले सिंगापुर चलते हैं, देखते हैं निफ्टी के क्या हाल है। दोस्तों, investing.com की साइट है, बहुत ही फेमस साइट है, मैंने वन डे का चार्ट आपके सामने लगाया है और ये सिंगापुर निफ्टी है, निफ्टी 50 फ्यूचर्स सिंगापुर आपके सामने लिखा हुआ है और ये लाइव है। दोस्तों, हमारे यहाँ पे 1 मई है, लेबर डे है, महाराष्ट्र डे है, बाजार बंद है, बट बाजार वहां पे खुला हुआ है। चलिए थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देते हैं आपके लिए। इस कैंडल को देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इस कैंडल के हाई पे चले जाते हैं, हाई है 9890, मतलब बाजार में ये डेट देखिए 30 अप्रैल, नीचे अगर आप डेट देखेंगे तो 30 अप्रैल की आ रही है, बाजार क्लोज हुआ है यहाँ पे 9699 के आसपास में। चलिए सिंगापुर से लेके चलते हैं, इंडिया वापस आ जाते हैं, इंडिया में क्लोजिंग हुई 9859 की, बड़ी सॉलिड कैंडल, कोई सेलिंग नहीं। जो लोग कैंडल्स पे काम करते हैं, कोई सेलिंग नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, ये है कि नहीं। चलिए लोगों को थोड़ा सा कैंडल्स लगा लेते, शायद वहां कुछ दिखाई दे। दोस्तों, वहां पे भी जबरदस्त कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, लोगों को लालायित करने वाली, ललचाने वाली कैंडल, जबरदस्त कैंडल, हायर हाई, हायर लो और जबरदस्त, जितने भी आप चार्ट पैटर्न्स है, जितनी की आप
बात करते हैं कैंडल्स में कि जो पैटर्न दिखाई देना चाहिए, बहुत जबरदस्त लो से भागता रहा बाजार और बड़ी सॉलिड सॉलिड क्लोजिंग बाजार में लोगों को दिखाई दी। क्या हुआ? बाजार धड़ाम। सिंगापुर में अभी इस समय 9,319 चल रहा है बाजार, मतलब मोटा मोटा 500 पॉइंट से ज्यादा बाजार गिरा हुआ है दोस्तों, 500 पॉइंट से ज्यादा, 5% से भी ज्यादा। आप सोचिए देखिए क्या हुआ। चलिए चलते हैं, आपको मैं अपने कुछ एनालिसिस लेके चलता हूँ। पुरानी वीडियोस रिकॉर्ड है, प्रूफ है, कोई एडिटिंग नहीं दोस्तों। आपका चैनल है, इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। 4 स्टेप्स टू बिकम सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर, बहुत जबरदस्त कंटेंट आपके लिए डाला है। ऑप्शन राइटिंग क्यों वजह है फ्रैंकलिन क्राइसिस के पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी। रिलायंस की कंप्लीट वीडियो है, जियो डील जो हुई थी फेसबुक के साथ में उसके बारे में वीडियो मिल जाएगी आपको। अब चलते हैं 30 मार्च को हमने क्या कहा। लोगों को लगने लगा बाइंग होनी स्टार्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपना शॉर्ट भी कवर करते हैं, शॉर्ट भी कवर करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाइंग कर भी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है उस बात से। बाजार के सेंटीमेंट्स अच्छे नहीं है, ये गेम क्या है, गेम समझिए। लोगों को डरा दिया जाता है कि बाजार में आंधी है, बाजार में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग निकल जाए निकल जाए निकल जाए। अब जब बाजार बॉटम पे खड़ा हो गया है, बॉटम का मतलब है कि एक टेम्पररी बॉटम की बात करें, जहां 7,700 का एक बॉटम बन चुका है हमारा। हमारा बहुत क्लियर प्रेडिक्शन था 7,700 अगर टूटे तो 6,500 भी आ जाएगा, 7,700 से वापस बाजार घूमा, ठीक है। 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां से इस बाजार ने इसको सस्टेन किया, 3 महीने हो सकता है मार्केट एक रेंज में रहे, जो 10,000 तक को भी निफ्टी टच कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी 10,000 को भी टच कर सकते हैं 3 महीने के अंदर अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। चलो इस वीडियो को आप बाद में देख लीजिएगा पूरा, मैंने आपको वो बताने की कोशिश की कि हमने क्या कहा। जी अगले 3 महीने के अंदर, मतलब 30 मार्च को हम बैठे हैं, 30 अप्रैल, 30 मई, ठीक है, अगले आने वाले जून से पहले पहले 10,000 निफ्टी टच कर सकती है, कोई बड़ी बात। चलिए 17 अप्रैल की वीडियो को देख लेते हैं, उसमें हमने लाइव सेशन में क्या किया, तो उसके बाद ही काम कीजिए। निफ्टी के लेवल्स दोबारा रिपीट करते हैं, जो लोग वापस से ज्वाइन किए हैं, 9,260 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी का, 9,260 से ऊपर निफ्टी चलती है तो 9,370, 9,525 और 9,780 ये लेवल हो सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के, वो एक्सट्रीम होंगे, प्रॉफिट बुक करके बिल्कुल बाहर आइएगा, उसके बाद बाजार में बिल्कुल भी तेजी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बहुत क्लियर था, ये एक्सट्रीम होंगे 9,780 के आसपास में, 9,800 के आसपास में आप 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल भी इन लेवल पे तेजी करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुक कीजिएगा, बाहर आएगा, बहुत क्लियरली चिल्ला चिल्ला के बोल दिया गया था। चलिए 9 अप्रैल की वीडियो पे लेके चलते हैं कि वहां हमने क्या जिक्र किया। अपॉर्चुनिटी है, जी हाँ, प्लीज बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, बहुत क्लियर है। चलो मेरे टच में थे, मैं लाइव सेशन नहीं कर पाया, बट उनको बहुत क्लियरली मैंने बोला था कि 9,025 के आसपास बाजार एक बार जरूर जाएगा, 9,025 के ऊपर लोगों को लगेगा कि यहां से निकल जाना चाहिए, यहां से फिर शॉर्ट कवरिंग के लिए 9,400 तक बाजार को लेकर जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे 9,400 के आसपास में, 9,400 से ऊपर जाएगा, 9,800, 10,000 टच करते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3 महीने में बाजार आपको 10,000 के आसपास भी टच हो जाए तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, बट ये बहुत तेजी में हुआ। अगर नहीं भी होता है तो 9,025 से ऊपर अगर सस्टेन होता है, क्लोजिंग 9,025 से अगर ऊपर होती है, क्लोजिंग जब तक नहीं होती, मैं 9,000 से ऊपर बाजार को नहीं देख रहा हूं, जब 9,000 से ऊपर की क्लोजिंग अगर अच्छी खासी हो जाती है तो आप समझ के देखिए, वहां पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटीज लेते रहना है। अगर आप देखेंगे जब निफ्टी 7,000 के आसपास, 7,500 के आसपास आ गई थी, मैं बार बार आपको बोल रहा था एचडीएफसी बैंक खरीदो, रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदो, रिलायंस इंडस्ट्रीज 900 रुपए से 1,200 रुपए, 1,250-1,300 रुपए तेज हो गया, सोचिए देखिए। चलिए दोस्तों इन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे जरूर दे दूंगा, आप उन पे क्लिक करके जाके दोबारा से थोड़ा टाइम बिता दीजिएगा। किसी भी शेयर के हम डिस्कशन करते हैं, प्योरली मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, आपको अच्छी लगती है इसलिए देने की कोशिश करता हूँ। मेरा पूरा मकसद रहता है कि एक अच्छी और सटीक एनालिसिस आप तक पहुंचे, ताकि आपको कोई बरगलाए ना। जहां पेड टिप्स प्रोवाइडर, बहुत सारे ऐसे टिप प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे टेलीग्राम चैनल्स बना रखे हैं जो लोगों को पागल बनाने के लिए टिप्स देते रहते हैं। दोस्तों कोई टिप्स नहीं देता हूं, किसी भी तरह की टिप्स के बहुत बहुत खिलाफ हूं। जब मैंने डे वन पे स्टार्ट किया था पढ़ाना, समझाना लोगों को, तब भी मैं कहता था कि टिप्स नहीं लेनी, खुद काम करना है, खुद सीखना है, आपके पास खुद टूल होना चाहिए। अपना सीक्रेट कैलकुलेटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है अपने स्टूडेंट्स को फ्री देता हूं, उसको मैंने आज तक पेड नहीं किया है, ना ही उसको पे करने की कोई चांसेस है, ठीक है। पूरे एक साल के लिए, मतलब जितनी आपकी फीस नहीं होती है उससे ज्यादा का वो कैलकुलेटर फ्री है आपके लिए। दोस्तों ये एनालिसिस आपके लिए हमेशा करता रहूंगा, ऐसी एनालिसिस आपके लिए हमेशा लेके आता रहूंगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए। कोशिश कीजिए कि हर स्टॉक मार्केट के जानने वाले को, हर स्टॉक मार्केट में काम करने वाले तक ये वीडियो पहुंच जाए। जाइए बताइए कि कोई एक ऐसा चैनल भी है जहां इतनी सटीक एनालिसिस, भविष्यवाणी जिसे आप कहते हैं, वो मिलती है। और चैनल में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा, ऐसी ही एनालिसिस आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।